और एक सूक्ष्म, दो प्रकार के सर। मन में कुछ गलत विचार आता है, वो कभी भी संस्कार नहीं बनता है। मन में विचार आया, आंखों को देखा, आपने कहा बहुत अच्छा आम है, कुछ नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं। आम को देखते ही मुंह में पानी आया, अरे आम खाना चाहिए, फील किया, संस्कार बन गया, सूक्ष्म संस्कार। आपने कहीं इस भाई को देखा, कुछ नहीं हुआ, इनको देखते ही विचार आया, देखो इसने मुझे 2 साल के लिए कितना गुस्सा किया, इसको भी मैं ऐसा करूंगी, इसका ऐसा करूंगा, ये विचार आया, फीलिंग आ गई, महसूस हुआ, संस्कार बन गया। इसको कहते हैं सूक्ष्म संस्कार। आपके लिए भाई जी मैंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन फीलिंग हो गई, इसने मुझे ऐसा किया था, इसको भी मैं ऐसा करूंगा, इसका बदला लूंगा, इसको भी कोर्ट में ले जाऊंगा, इसको जेल में डालूंगा, फीलिंग आ गई। आम को देखा आपने, कुछ नहीं होगा, आम को देखने का हाथ भी लगने वाला नहीं, बहुत दूर है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा, अरे खाना चाहिए, फील किया, सूक्ष्म दाग पड़ गया। सूक्ष्म दाग से सूक्ष्म शरीर बनता है। इस सूक्ष्म शरीर कैसे बना? सूक्ष्म संस्कारों से सूक्ष्म लाइट का शरीर बनता है। और एक है स्थूल, ये शरीर कौन बनाता है? आपने हाथ से आम खाया, कुछ खाया, गुस्सा किया, किसी को मारा, किसी को दुख दिया, इस शरीर के द्वारा जो कर्म किया उसको स्थूल संस्कार कहते हैं। दो प्रकार के संस्कार बनते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। समझ में आया? हाँ। देख मन क्या करता है, आत्मा का पूरा ज्ञान चाहिए तब योग लगेगा। आत्मा माना क्या? ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार। तो कर्म करते समय आपको पता होना चाहिए कि मैं ये जो कर रही हूं तो संस्कार हो जाएगा। अगर माता जी रोज घर में सब्जी काटती है, सब्जी काटते है क्यों? पति को खाना खिलाना है, बच्चों के लिए खाना बनाने हो, ये सब्जी बनते सोचते सोचते बना दी, तो वो सब्जी जो काटे उसका रिकॉर्डिंग होगा ना, संस्कार बन गया, ये शरीर छूट गया। तो आत्मा भविष्य जन्म में जाते ही क्या करेगी? वहां भी सब्जी काटेगी। सोचना, इसलिए ज्ञान चाहिए। कर्मों संस्कार से शरीर जीवन बनता है, जैसे संस्कार वैसे संसार। आपके जो मैं सत्युग में लक्ष्मी करूंगी, अरे यहां सब्जी काटते समय पति के लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, ये सब्जी सब चिंतन सब्जी का कर रहे हो, जैसे संस्कार वैसा जन्म वैसा संसार। बिल्कुल। अभी आता हूं, अभी चेना यहां झाड़ू लगाते हो, क्या झाड़ू लगाते तुम्हें क्या करते हो? देखो भगवान ने मुझे ऐसी सेवा दिया, रोज झाड़ू करते रहो, मेरा काम यही, चिंता करते करते कर रहे हो, तो वहां भी झाड़ू ही लगाना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूं। अब आया, अब आता हूं। अभी ये माता जी लक्ष्मी बनेगी कैसे? रोज सब्जी काटती है घर में, झाड़ू लगाती है, तो भी लक्ष्मी बन सकती है। अभी झाड़ू लगाते लगाते बाबा मैं आप ही शरीर को झाड़ू लगा के स्वच्छ करते हो, बाबा मैं आपका सेंटर स्वच्छ कर रहे हूँ, बाबा मैं आपके मकान को स्वच्छ कर रहे हूँ, आपके आंगन में झाड़ू लगा रहे हूँ, बाबा आपके लिए खाना बना रहे हूँ, बाबा आपके लिए कौन सी सब्जी बनाओ, बाबा आपने मुरली में ये कहा था, ज्ञान का चिंतन करते करते कर्म कर रहे हो, वो कर्मों का संस्कार नहीं बन रहा है, ज्ञान का संस्कार बनता है। तब कहे कर्म आपका भाग्य बनाता है, कर्म आपका भाग्य बिगाड़ता भी है। कर्म से ही आप देवता भी बन सकते हो, राक्षस भी बन सकते हो, शूद्र भी बन सकते हो, आपके हाथ में है कर्म कैसा करना। तब बाबा आके कर्म योग सिखाता है, घर में रहो, झाड़ू लगाओ, सब्जी काटो, बाथरूम साफ सफाई करो, कपड़े धो, कोई मजा नहीं, लेकिन वो कर्म करते समय आपके मन में क्या चल रहा है? मुझे यही करना पड़ता है, ये लोग कोई करते नहीं, मुझे ये सोचते सोचते कर रहे हो, तो उसी के संस्कार बन गए, शरीर छूट गया। ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ रोज झाड़ू ही लगाना, समझा? जैसे कर्म भरा ऐसे आवाज आएगा ना, आपको गीत कैसे रोते रोते आपने गीत गाया, आवाज कैसा आएगा? अच्छा आवाज आना चाहिए, होगा रोते रोते आवाज आएगा। तो कर्म करते समय किस स्मृति से कर्म कर, कोई भी कर्म करो, कर्म खराब नहीं, कर्म करने की विधि चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कर्म योग, संसार में रहो, ग्रस्त में रहो, कर्म बाबा की याद करते करते कर्म करो। बाबा की याद क्या? उदाहरण, कपड़े धो रहे हो,
बाबा आप भी धोबी हो, मैं भी देखो आपके बच्चों के कपड़े धो रही हूँ, आपके बच्चों के कपड़े धो रही हूँ, आप भी हमारे धोते हो, आप भी धोबी मैं भी धोबी हूँ। बाबा से बात करते करते कर्म, तो अंदर क्या रिकॉर्डिंग होगा? कर्मों का रिकॉर्डिंग नहीं होता है, जो अंदर चिंतन चल रहा है वो रिकॉर्डिंग हो गया, वो आपके साथ जाएगा। समझ में आया? हाँ ऐसे